हाय दोस्तों, नमस्ते भाई और बहनों, सबको नमस्ते। तो चलिए, अपन आज मार्केट गए थे। मार्केट से क्या लाया मैंने, सब्जी पाला लेके आ गई और पंप लेने गई थी दोस्तों। पंप मैंने बताया नहीं था, आठ दिन से पंप उधर ही पड़ा था मेरा। वो जो चाइना पंप लिया था ना मैंने, तो वो एक ही दिन में ख़राब हो गया था दोस्तों, एक ही दिन में। तो फिर तो वैसे तो उसकी गारंटी नहीं रहती दोस्तों, लेकिन अपन तुरंत गए ना तो ले लिया दोस्तों उसने। तो बोला जान दो खराब, बार बार ख़राब होने से तो इससे अच्छा है अपन 200 वाला ही ले लो। तो दोस्तों मैंने वही पंप ले लिया आज, अभी दिखाती हूँ दोस्तों। मैंने ये देखी, अभी तो फोड़ा भी नहीं मैंने उसकी पैकिंग, तो पंप ले लिया है दोस्तों। क्योंकि मैं साइकिल चलाती हूँ इसलिए तो मैंने पंप ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में दिखाती हूँ। और दो चार सब्जी पाला भी लेके आ गई है, अंगूर लेके आ गए दोस्तों 1 किलो, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, मेरे को भी सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती। तो 1 किलो दराक्ष लेके आ गई है दोस्तों। तो देखिए दराक्ष अच्छे है दोस्तों, खराब वेरा कुछ भी नहीं है। तो 1 किलो लेके आ गई दोस्तों। तो 1 किलो दराक्ष घिना ली, 1 किलो दराक्ष लेके आ गई दोस्तों। और इधर से सब्जी वाला भी लेके आ गई कुछ, क्योंकि सब्जी वाला दरवाजे पे बहुत महंगा आता है, इसलिए मैं वहाँ से लेके आ गई। तो ये 10 रुपये की सिंगल आए, इसको अभी सोल डालूंगी दोस्तों मैं। और लौकी लाई, लौकी कहाँ गई रे, लौकी 2 थी, लौकी एक ही लौकी, मैंने 2 लौकी डाली थी दोस्तों। में दोबारा देख लेती हूँ यार, ऐसे होता है दोस्तों मेरे साथ। मैंने 2 लौकी डाली तो 1 किलो की है, पता नहीं शायद। ये किलो की दोस्तों। और बैगन लाए दोस्तों, आधा किलो बैगन लेके आ गई। तो बोला जैसे सब्जी वाला, मैंने लौकी 2 ली थी दोस्तों, 10 की एक। तो इसके कैसे पराठे, वो भरा हुआ पराठा भी अच्छा लगता है इसलिए। तो पता नहीं 1 लौकी क्या गिरा दी मैंने, क्या मालूम। और बैगन लाए और 1 पाव करेले लेके आ गए दोस्तों। करेले भी अच्छे रहते हैं, वो भरे हुए करेले। और जितनी सब्जी लाई है उतो की मैं रेसिपी दिखाऊंगी आपको अगले ही दिन, मतलब एक एक दिन दोस्तों। और आधा किलो मिर्ची लेके आ गई दोस्तों, ये देखिए। तो ये लाई जाड़ी मिर्ची लाई मैंने, ओ बड़ी वाली, मतलब तेज नहीं है मिर्ची, तो ये तेज नहीं है, ऐसी सादी मतलब फीकी है, तो इसलिए फीकी इसलिए लाई मैंने, कि फीकी इसलिए लाई, ठेसा भी कर सकती हूँ मैं इसलिए, तो इसलिए लाई दोस्तों मैं। इसके नाके भी तोड़ निकाल लेती हूँ अभी, अब बैठी गई हूँ ब्लॉग बनाने, तो निकाल लेती हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, और जिसने जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो जाके फटाफट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी जल्दी जाके लौकर लौकर फटाफट जाके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए,
क्योंकि ऐसे नाके वगैरह निकाल के रख दिए ना दोस्तों, तो ख़राब नहीं होती मिर्ची। सबसे पहले तो कल मैं सेवगा की सेंगाई बनाऊंगी, क्योंकि वो काट के लाई मैंने, इसे बैठ नहीं रही थी तो काट के लेके आ गई है, तो उनको कल बना डालूंगी। और एक दिन इडली और ये भी बनाऊंगी। चलो मैं पनीर लाती हूँ बनने के लिए। दोस्तों अब याद आ रहा है, शायद मेरी साइकिल वहाँ पे कानी हो गई थी, तो हो सकता है वही गिर गया होगा उन लोग की, शायद पता नहीं। अब जाने अभी तय क्या करो, क्योंकि मैं नसीब में एक ही होंगी इसलिए मेरे को एक ही मिली है। अभी तब क्या करें, टेंशन। मैं वही सोचा था एक ही सब्जी बनाऊंगी और इस एक का पराठा बनाऊंगी, तो इस हिसाब से लिया कर दो, नहीं जान दो क्या कर सकते मेरे नसीब में नहीं होंगी। तो ये क्या है, कैरी बैग में अगर भर के मैं फ्रिज में रखूँ ना दोस्त फ्रेंड, और सबसे ज़्यादा तो लेडीज ताई माइना बहनी ना सब संगते नहीं कि फ्रिज मधे सब पन्नी मधे ठेवलं तर हिरवा असतो भाजीपाला, त्याच्यासाठी मी पण पन्नीमध्येच ठेवते। कोथमीर सुबोली आता दोस्त तो खराब होगा, गारे का है ना गारा हो गए, इसलिए बोला उसको चुन लेती उसको भी अच्छे से। अदरक भी पड़ा हुआ है, सुबह लिया था अदरक, तो इसमें मिर्ची भर लेती हूँ मैं, तो धनिया लेता हूँ इसमें मिर्ची डाल लेती हूँ मैं। अब नाके नाके भी निकाल के रख दिए मैंने, तो खराब नहीं होंगी अब, और क्या 10-15 दिन खराब नहीं होती है सब्जी वाला साफ सफाई करके रखा तो। ये हो गया मेरा, और फिर लौकी, लौकी भी उसने भी रख देती हूँ दोस्तों। मेरा तो चलो सेंगा भी हो रहा है, लेकिन सेंगा नहीं रखूँगी, आलू आलू भी आलू को रखूँगी। आपको टमाटर तोड़ लेती दोस्तों ने, इसे नहीं डालती हूँ मैं तो सोच रही हूँ को टमाटर गारे का बना हुआ है। गर्मी में कोथंबर कम हो जाता है, कोथंबर मिलता नहीं है। अब रमजान महीना चल रहा है ना, इसलिए वो थोड़ा महंगा भी हो जाता है सब्जी वाला, क्योंकि रमजान महीने में ये जो लोग है ना, तो वो ज़्यादा करके यही खाते हैं सब्जी वाला, उनके उपवास रहते हैं ना, तो ये मैंने तोड़ लिया कोथंबर, सफा करके रख दिया कोथंबर। चलिए इसको फ्रिज में रख देती हूँ मैं, सीधा रह गया सीधा को सफा कर लूँगी मैं अभी थोड़ा टाइम।
देखती हूँ दोस्तों, इसमें अगर आ जाते हैं तो इसे में रख लेती हूँ मैं सेंगा। क्योंकि अब सोलो नहीं करना इनको। चलो मेरे को बहुत अच्छी लगती है दोस्तों ये सेविया, मैं खाती हूँ बहुत, ऐसे ही करके रख दिया मैंने। तो इनको भी फ्रिज में रख देती हूँ मैं अभी सुबह बनाने वाली। अरे यार फट गई पीसी, इधर देखिए दोस्तों फट गई पीसी। तो चले आपको तो मैंने मेरा सब्जी पाला दिखा दिया क्या क्या लाया तो मैंने आज। तो चलिए अब मेरे को भूख भी लग गई है तो हम खाना पानी भी कर खाते। खाना पानी तो सब्जी तो सुबह की ही पड़ी है, मैं हाथ धो लेती हूँ पहले, सबसे पहले हाथ धो ली। सब्जी सुबह की पड़ी फिर तो सब्जी को मैं गर्म कर लेती हूँ, सब्जी को गर्म कर लेती हूँ। एक रोटी पड़ी है और इसकी थोड़ी सी मेरा हो जाएगा। चावल चावल लेती हूँ उसमें थोड़ा, और ये चावल ऐसे ही दोस्तों कि उनको भिगाना पड़ता है आधा घंटा पानी में, तब जाके चावल या खिचड़ी जो भी अपन बनाते चावल खिचड़ी और बिरयानी जो भी, तो उनको आधा घंटा भिगाना पड़ता है। नहीं भिगाया तो ऐसे कड़क करता है, और भिगा लिया तो बहुत अच्छा आता है ना। ये देखिए भिगाने के बाद अच्छा आया है। चलिए सब्जी देखते हैं अपन गर्म हुई। मस्त झन 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 पानी सुटलं ना। तोंडाला तोंडाला पाणी सुटलं म्हणते मी, माझी हिंदी पण असते मराठी पण असते। छुटा की नाही पाणी, अरे मैं मुँह को बोल रही हूँ मुँह को पाणी छुटा की नाही। चलिए फिर और दूसरी बात ये है कि दोस्तों मैं धनिया नहीं यूज करती थी, तो उसके कारण क्या है सब्जी तीखी हो जाती थी। धनिया यूज की ना मैंने, गिली धनिया भी यूज की है, और आज क्या हुआ मेरे से और जो खड़ी धनिया रहते साबुदाना धनी, तो उसको मैंने कांदे में भी भाज लिया, और मेरे को याद नहीं रहा जब मैंने मसाला होने दिया ना उसमें धनिया पाउडर भी डाल दी, उसके कारण सब्जी तीखी नहीं हुई है। ये तो क्या होता है थोड़ी सी भी चटनी डालो ना तो सब्जी तीखी हो जाती थी फ्रेंड। तो चलिए ओके आ जाइए आप रोटी खाने के लिए। चलिए मैं ये उधर लेके जाती हूँ। पानी भी ले लेती हूँ साथ में। ब्लॉक है ना फ्रेंड, सब्जी मस्त मस्त।
पे चले, सबको बाय बाय गुड नाइट। अभी तो रात के 9 बज गए हैं, तो गुड नाइट। और जिसने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।